The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, एक न्यूज मैंने सुनी आज, तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया और मैंने सोचा आपसे भी ये बात शेयर की जाए। एक पेशेंट जो कि उत्तर प्रदेश इंडिया के अंदर है, 35 साल के पेशेंट को 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने में हर हफ्ते बार 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 कोविड टेस्ट हो रहा है और हर बार वो पॉजिटिव ही आ रहा है। पेशेंट को पहली बार जब कोविड डिटेक्ट हुआ था तो माइल्ड मॉडरेट सिम्टम थे, जो कि पहली बार जो ट्रीटमेंट दिया था उसके बाद ठीक हो गए, लेकिन सिम्टम नहीं है, अब कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन कोविड नेगेटिव नहीं हो रहा है। लगातार 3 महीनों से 15 बार टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन COVID-19 RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव ही आ रहा है। अगला टेस्ट इनका अगले फ्राइडे को होगा। अब इसमें सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक और इंपॉर्टेंट बात इस केस के बारे में बताना चाहूंगा कि ये जो पेशेंट है, ये ब्लड कैंसर पेशेंट है, जिसको कैंसर की कीमोथेरेपी मेडिसिन भी चलती है। अब इसमें सवाल आता है कि भाई हो क्या रहा है, क्या COVID-19 हर्पीज वायरस के जैसा लेटेंट रहने लग गया, डोरमेंट तो नहीं रहने लग गया। तीन पॉसिबिलिटीज हैं इसमें, वही इंपॉर्टेंट चीजें आपसे डिस्कस करनी है। याद रखिए, ये नया वायरस है, कोरोना वायरस, जो नोवेल कोरोना वायरस COVID-19 SARS-CoV-2, इसलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आगे चल के निकल के आएंगी और नए से नए म्यूटेशंस होते रहते हैं, तो वी डोंट नो व्हाट इज ट्रू। वी आर जस्ट डिस्कसिंग, आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि भाई क्या हो सकता है। सो पहली पॉसिबिलिटी जो है, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी है, कि भाई COVID-19 वायरस अगर सेल के अंदर जाके डोरमेंट रहने लग गया, लेटेंट हो गया, तो क्या होगा। उसका मतलब क्या, नॉर्मली एक वायरस बेसिकली जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए या डीएनए। ये आरएनए है, आरएनए के आसपास लिक्विड यानी लिपिड का कैप्सूल होता है, आपके अंदर जाता है, आपके अंदर जिस भी सेल के अंदर ये जाएगा, सेल के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल आरएनए छोड़ देगा, आरएनए अंदर जाएगा आपके सेल के जो रेप्लिकेशन वाली मशीनरी है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर जाके डीएनए रेप्लिकेशन को हाईजैक करेगा और अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। या तो नंबर एक, अपनी ही कॉपीज बनाता जाएगा, यानी आरएनए का कॉपीज बनाता जाएगा रेप्लिकेट करके, या फिर अपने आरएनए को आपके डीएनए यानी अपने जेनेटिक मटेरियल को आपके डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देगा और आपके डीएनए में म्यूटेशन आ जाएगा और वो सेल जो है वो रेप्लिकेट हो सकता है, वो सेल मल्टीप्लाई हो सकता है। So, इस प्रकार के चेंजेस वो करता है, लेकिन एक डोरमेंट वायरस क्या करता है, ये वहां पे जाके न्यूक्लियस के अंदर जाके जेनेटिक मटेरियल को हाईजैक नहीं करता, मतलब वहां पर ये प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करता, ये वहां पर बैठा रहता है, वहां आपके सेल के अंदर जाके आराम से जाके सो जाता है। तो जब सेल के अंदर जाके वो सो जाएगा, ना तो वो हाईजैक करेगा, ना रेप्लिकेट करेगा, ना कुछ करेगा, तो आपकी बॉडी को पता ही नहीं चलेगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि जितने आपके अंदर वायरस, हजारों लाखों मिलियन वायरसेस हैं, आपके शरीर में रेप्लिकेट हुए, बढ़ते गए, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ और इम्यून सिस्टम ने एक्टिवेट करके उस वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, वायरस को डिस्ट्रॉय, फिर भी कुछ वायरसेस जो है वो सोए हैं, वो डोरमेंट रह गए, वो लेटेंट रह गए और वो सेल्स के अंदर सोए हैं। जैसे कि हर्पीज वायरस आपके नर्व्स, नसों के सेल के अंदर जाके डोरमेंट रह जाता है और जिंदगी भर रहता है, कभी भी कोई भी खतरनाक बीमारी होती है तो वापस आ सकता है। ऐसे ही कई सारे वायरसेस हैं, जैसे कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का वायरस है, कोल्ड सोर का हर्पीज वायरस है, ये सारे वायरसेस जो हैं ये डोरमेंट रहते हैं आपके अंदर, लेटेंट रहते हैं, जाके सो जाते हैं। तो अगर कोरोना वायरस, ये कोविड वायरस, COVID-19 वायरस ऐसा करता है, तो ये भाई साहब अच्छी बात ना है, क्योंकि फिर ऐसा होगा कि अगर वो वायरस वहाँ सोया पड़ा है तो पूरी तरह से वो वायरस को ख़त्म करना पॉसिबल नहीं होगा। फिर हो सकता है उसके ऊपर वैक्सीन भी पूरी तरह से काम ना करे, जिस तरह से हर्पीस के लिए पूरी तरह से वैक्सीन इरेडिकेट नहीं कर सकती, ये भी एक पॉसिबिलिटी है जो आपको समझना पड़ेगा, बट पॉसिबिलिटी है, हो सकता है।
दूसरी पॉसिबिलिटी इस केस में क्या हो सकती है दूसरी, क्योंकि देखो इस केस में अगर तो वायरस डॉर्मेंट बैठा है, एक दो वायरसेस आराम से बैठे हैं, तो वो अलार्म पैदा नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि आपके घर में चोर छुप के बैठा है, बाहर ही निकल रहा, सो गया, कुंभकर्ण बन के 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल सो गया, आपको पता ही नहीं चल रहा, समथिंग लाइक दैट। सो इस केस में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं होगा तो वो कहाँ से मारेगा। और टेक्निकली वायरस के खिलाफ दी गई दवाई भी दे दोगे, एंटीवायरल मेडिकेशन भी दे दोगे, तो वो एंटीवायरल मेडिकेशन वायरस के रेप्लिकेशन को रोकती है। ये भैया तो आराम से बैठा है तो रेप्लिकेट ही नहीं हो रहा, ये तो आराम से बैठा है तो रेप्लिकेट ही नहीं हो रहा, उसको कैसे खत्म करो। सो दैट इज अ ट्रिकी पार्ट, ठीक है। सो इसलिए एंटीवायरल मेडिकेशन भी काम नहीं करती। दूसरा कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर केस में क्या हो सकता है कि ये जो पेशेंट है इसको कीमोथेरेपी मेडिसिन चल रही है, और कीमोथेरेपी, कैंसर कीमोथेरेपी की जो मेडिसिन होती हैं, ये नोन है कि कैंसर कीमोथेरेपी की मेडिसिन जो है वायरस के रेप्लिकेशन को भी इनहिबिट कर सकती हैं। सो ये भी पॉसिबल है कि वायरस इनके अंदर गया था, थोड़ा बहुत रेप्लिकेट हुआ, और कीमोथेरेपी की मेडिसिन ने उसको इतना रेप्लिकेट ही नहीं होने दिया कि वो अभी भी वायरस जो है चल रहा है, स्लो चल रहा है, जो उसका एक पीरियड है रेप्लिकेशन का, वो ही एक्सटेंड होता जा रहा है, कि रेप्लिकेशन ही बहुत स्लो चल रहा है बिकॉज ऑफ द कीमोथेरेपी मेडिसिन। सो दैट इज वन पॉसिबिलिटी ऑल्सो कि कीमोथेरेपी की मेडिसिन जो है ये वायरस का जो लाइफ स्टेज फॉर्म है, जो उसका लाइफ साइकिल है, उसको बहुत ज्यादा प्रोलोंग कर रही है, और डॉर्मेंट वॉर्मेंट कुछ नहीं रह रहा वायरस, कोई डॉर्मेंट नहीं, कोई लेटेंट नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। सो वी डोंट नो वॉट इज द केस, बट इट इज एन इंटरेस्टिंग केस। और जब एक केस ऐसा सामने आता है तो ऐसे कई केस होंगे जिनका टेस्ट ही नहीं हुआ, जो कि कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं, बहुत टाइम से हैं। अब और सवाल पैदा होता है कि क्या ये कोरोना वायरस अगर डोरमेंट है और बाद में अगर एक्टिव होता है, तो क्या बाद में कभी ये एक्टिव होने के बाद वो पेशेंट दूसरे पेशेंट को इन्फेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है, क्योंकि हर्पीज वायरस में ऐसी होता है, हर्पीज वायरस में या कोरोना वायरस में अगर वो डोरमेंट होता है, तो वो डोरमेंट वायरस वापस जब एक्टिव होगा तो वो वापस ब्लड में निकल के आएगा, क्योंकि वो वायरस म्यूटेट होगा जेनेटिकली, अपने सॉरी अपना रेप्लिकेट होगा, अपनी कॉपीज बनाएगा, कॉपीज फूट के ब्लड में आएगी, वो ब्लड में घूम के आपके सलाइवा तक भी आ सकती है वापस, सलाइवा में मुंह के अंदर रेप्लिकेट होके मुंह के अंदर फैलेगी, फिर आप खांसोगे बाहर फैल जाएगा। सो यस, कॉन्सेप्ट थेरेटिकली ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा कि नहीं होगा भगवान जाने, ऐसा होगा कि क्या होगा ये आगे समय बताएगा, हम नहीं बोल सकते, हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, हमें क्या लगता है, हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा थेरी आपको बता रहे हैं। सो थेरी, थेरोटिकली ये दो चीजें हैं सोचने वाली। सो बहरहाल इनके लिए रेगुलर टेस्टिंग, रेगुलर मॉनिटरिंग हमेशा बनती है, और जब भी कभी कोई सीवियर बीमारी होती है ये रिएक्टिवेट हो सकता है। ये चीज टीबी के बैक्टीरिया के साथ भी देखी गई है, टीबी के बैक्टीरियाज भी कभी कभी बॉडी के अंदर जाके डोरमेंट बैठ जाते हैं और बाद में कभी रिएक्टिवेट हो सकते हैं। सो ये डोरमेंट वाली सिस्टम जो है बड़ी खराब है, ये छुपे रुस्तम जो होते हैं, दिस इज नॉट सपोज टू हैपन, बट होपफुली ऐसा कोविड के साथ ना हो। बाकी होता है तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, जो हमें आज की न्यूज़ थी वो बतानी थी तो हमने आपको बता दी। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि WHO कहती है कि भाई जो वायरस के खिलाफ जो वैक्सीन है, दो चीज़ों में इशू है इसमें, एक वैक्सीन के वायरस के म्यूटेशंस जो हो रहे हैं दैट कैन बी अ प्रॉब्लम इन वैक्सीन, इफेक्टिविटी कम कर सकती है वैक्सीन की बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन। नंबर दो, उसमें वैक्सीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन का डेट उन्होंने बताया है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अक्टूबर एंड में, अक्टूबर एंड में वायरस के डिस्ट्रीब्यू वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन लेट अक्टूबर से शुरू हो सकते हैं। दैट इज द अपडेट अबाउट द वैक्सीन। सो ये हुई बातचीत वायरस वैक्सीन और कोविड की। आई होप आप लोग सेफ हैं, सुरक्षित हैं, अपने प्रिकॉशंस फिर भी लीजिए, इवन इफ आपको कोविड हो चुका है। याद रखिए हमने बताया था आपको, जो कोविड के खिलाफ एंटीबॉडी बनते भी हैं तो वो अभी रिसर्च में देखा गया है 4-5 महीने के आगे नहीं है। सो आप उसको, ये 4-5 महीने मैक्सिमम है, तो वो किसी के अंदर अगर एंटीबॉडी कम है तो हो सकता है उसको सिर्फ 15 दिन का प्रोटेक्शन हो, या 1 महीने का प्रोटेक्शन हो, या 2 महीने का प्रोटेक्शन है। थेरेटिकली अगर वायरस म्यूटेट नहीं होता है तो सेकेंडरी इन्फेक्शन उसी वायरस का आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर वायरस म्यूटेट होता है, म्यूटेट होकर म्यूटेटेड वायरस आपके अंदर जाता है, तो वो उससे खतरनाक इन्फेक्शन कर सकता है। ऐसे केसेस इंडिया के अंदर, हांगकांग के अंदर, कई जगह पे
निकल के भी आए हैं। तो भैया क्या होगा ये तो भगवान के हाथ में है, लेकिन आपके हाथ में अपनी बागडोर है, अपनी सुरक्षा, डरने का कोई जरूरत नहीं है, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखिए। बहुत सारे वीडियोज हैं उसके बारे में, जाके देखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए डॉक्टर एजुकेशन। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।